Absolutely beautiful. The theme
Bollywood glam, so I truly enjoyed it. I'm wearing this beautiful, it's Indo-Western, it's not exactly traditional, it's beautiful lehenga and beautiful top and really beautiful chunni on it. The jewelry is stunning, beautiful kundan work on it, and I'm really fond of kundan. So it was absolutely beautiful. I enjoyed my moment. The theme was like Indian princess, so I really felt like one. So thank you for having me. पूरी जो कलेक्शन थी वो मुगल डायनेस्टी से इंस्पायर्ड थी और ये बता रहे थे कि शाहजहां एक्चुअली ब्लैक कलर का काले रंग का ताजमहल बनाना चाहते थे वो उनकी ड्रीम थी तो ये कह रहे थे कि मैं शाहजहां की ड्रीम हूँ सो आई एम लाइक वाओ यू नो थीम के बारे में जानना चाहेंगे हमने देखा कि सारे मॉडल्स को आपने क्रीम लाइट में प्रेजेंट किया एंड हाँ जी जैसा भी आपको दिव्या ने बताया कि जो पूरा इंस्पिरेशन था वो ताजमहल का था तो ताजमहल सारा आइवरी है मतलब सफ़ेद और हल्के पेस्टल से उसमें होता है बट लोग शाहजहाँ का ड्रीम था काले ताजमहल का जो पूरा नहीं हो पाया वो हमने आज पूरा किया द ड्रीम ऑफ सो हमारा इंस्पिरेशन टोटली मार्बल है जैसा हमारा थीम आपको पता है संगमरमर तो इसलिए सारा गारमेंट्स हमने आइवरी रखा ओनली बिकॉज इट्स अ ड्रीम और शाहजहाँ की एक हमारा काला ताजमहल होता है तो वही हमने प्रेजेंट किया है एंड बीइंग सो प्रिटी ये शाहजहाँ का ड्रीम है दिव्या जी ट्रैक को अपना एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे हमने देखा आपको बहुत ही आराम से अच्छे से किया कह रही है बहुत ही आराम से सब कुछ अच्छे से किया वही मेरा काम था सॉरी ऑन अदर नोट द म्यूज़िक वाज सो गुड यू नो आप सब ने भी शो देखा और बहुत ही अच्छा शो था अलग ही दुनिया में हम ट्रांसपोर्ट हो गए थे आई लव द क्लोथ्स एंड द म्यूज़िक द एंटायर वाइब ऑफ द शो एंड ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शो पुट अप बाय रार स्टूडियो बाय दिस थ्री टैलेंटेड डिज़ाइनर्स फॉर बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी एज़ योर शो स्टार थैंक यू सो मच ज्वेलरी के बारे में जानना चाहेंगे ये जो डिज़ाइन है सब डिज़ाइन में इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकते ज्वेलरी जो पहना है ये ज्वेलरी का नाम है मोह माया बाय दिशा एंड ये ज्वेलरी हम लोगों ने बहुत मिनिमिस्टिक रखी है और बहुत सिंपल डिज़ाइन रखी है जो कि हमारी कलेक्शन से जाता है एंड जो हम लोगों ने इस बार स्टाइल किया है वो सिंपल गारमेंट के साथ सिंपल ज्वेलरी रखी है तो आई थिंक ये आपका हमारी कलेक्शन अगर आप नोटिस करेंगे हाँ तो ये ज्वेलरी भी काफ़ी मुगल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है तो काफ़ी हमने जब हम इनके साथ बैठे तो हमने देखा कि इनकी ज्वेलरी काफ़ी हमारे कलेक्शन के साथ जा रही थी तो दिस इज़ हाउ वी प्लान द कलेक्शन इनकी ज्वेलरी में जो आप बारीक डिटेलिंग देख रहे हो वो हमारे ड्रीम के साथ बहुत अच्छे से जा रही थी इनको डिमांड करने की जरूरत है एक्चुअली यू नो जनरली मैं बहुत ही सिंपल लड़की हूँ एंड मुझे शॉपिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है सरप्राइजिंगली यू नो आई एम नॉट अ शॉपाहोलिक एट ऑल एंड थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस बहुत सारे ये जैसे ये बोल रहे हैं कि आप ले लो और पहन लो सो आई जस्ट वेयर एंड देन यू नो इट्स आई एम थैंकफुल दैट दे आर अलाउइंग मी टू वेयर देयर पीसेस सो या दैट्स इट यू नो ज़्यादा मैं खरीदती नहीं हूँ कपड़े बहुत बहुत गर्व की फीलिंग होती है बिकॉज यू नो भारत में से जब भी हम कोई चौका मारते हैं चाहे वो मैच के मैदान में मारे या तो यूट्यूब में मारे या कहीं पे भी मारे तो हर भारतीय को उस पर गर्व होता है कि हमारे देश से निकलकर हम आगे पहुँचे आगे बढ़े ये हमारे बॉलीवुड का म्यूज़िक चैनल है यू नो इट्स पूरा
का जो बॉलीवुड का जो भी आता है वो सब टी सीरीज ही यूट्यूब चैनल पे दिखाया जाता है, द म्यूजिक एंड फिल्म्स एंड ऑल. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द ऑडियंस फॉर मेकिंग इट नंबर वन, एंड आई थिंक इट गोज टू द ऑडियंस बिकॉज उनकी ही वजह से नंबर वन. जी नहीं करता है. टी सीरीज एक ऐसी कंपनी है जो आज बस जब से हम छोटे हैं तब से आज तक काफ़ी कंपनी आई और चली गई भी. टी सीरीज आई थिंक वही एक नाम था जो मुझे लगता है मुझे, हाँ जब बच्चे थे तो हमने टी सीरीज अभी तक हाँ तो स्टिल आई मीन दिस इज द ओनली एल्बम कंपनी सो वी रिलेटेड. मैं जल्दी अनाउंस करूँगी, नहीं बताऊंगी. ओके थैंक यू सो मच.